नया बलदियाती निजाम, गैस और बिजली की कीमतों में मुमकिना इजाफा। लीगी अरकान की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली का खसूसी इजलास बुलाने की इस्तदा। अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर गौर भी जरूरी है, लीगी अरकान असेंबली। ये इस्तदा अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की खसूसी हिदायत पर की गई। मलिक नदीम कामरान, चौधरी इकबाल, समीउल्लाह और जीशान रफीक इस्तदा करने वालों में शामिल। नए बलदियाती निजाम से पंजाब में नुमाया बेहतरी आएगी। करप्शन के खात्मे और सरकारी निजाम की अपग्रेडेशन का काम शुरू कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान, बरतानवी हाई कमीशन के अफसरान से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम के हिदायत पर पंजाब में मीडिया महाज के लिए आला सतह की टीम तश्कील। पार्टी रहनुमा शहबाज गुल को तर्जुमान वजीर आला मुकर्रर करने का फैसला। मीडिया टीम में फयाजुल हसन चौहान, ऑन चौधरी और DGPR अफसरान शामिल। मीडिया टीम रोजाना की बुनियाद पर हुकूमती इकदामात उजागर करने की पॉलिसी मुरत्तब करेगी। जंगी बुनियादों पर शोबा सेहत में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया। हमारा हदफ सेहत की मायारी सहूलतों की फराहमी घर की दहलीज पर यकीनी बनाना है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मीर दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात। सूबाई वजीर इंसानी हकूक एजाज आलम का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। बंद रोड पर गंजू वाली घाटी के करीब गोदाम की छत गिर गई, पांच अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने दो लाशें मलबे से निकाल ली, तीन अफराद जख्मी, म्यू अस्पताल मुंतकिल। जांबहक होने वालों में 16 साल अकमल और 20 साल यासीन शामिल। मलबा हटाने का काम जारी। मॉडल टाउन केस, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत साबिक वज़रा को तलब करने की दरख्वास्त खारिज। साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा को पेश होने का हुक्म। अदालत ने अवामी तहरीक की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला जारी। बेंच के सरबरा जस्टिस कासिम खान का शरीफ बरादरान समेत 12 शख्सियात को तलब न करने के फैसले पर इख्तलाफी नोट। अवामी तहरीक का हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ताकतवर आज भी ताकतवर और इंसाफ कमजोर है। सारे मॉडल टाउन के डिजाइन करने वाले तलब नहीं होंगे तो इंसाफ कैसे होगा? मुलाजिम तलब किए गए, मालिकान नहीं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का अदालती फैसले पर रद्द अमल। आज के फैसले के बाद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुलजिम तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस तकाजा को भरपूर मौका फराहम किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सानहा मॉडल टाउन में शरीफ बरादरान को बंद किया था। हाई कोर्ट ने फैसले की तौसीक कर दी। वकील आजम तारर की गुफ्तगु। ये कहां का इंसाफ है? जिस गरीब के आमदन 400 रुपया है, वो 1600 रुपए का हेलमेट कहां से खरीदेगा? चलान तो कर रहे हैं वो जिनके पास हेलमेट नहीं, तो हेलमेट भी तो सस्ता करें। ये तो नहीं कि जिसके पास 1000 रुपए चलान देने के लिए नहीं है, वो 1600 हेलमेट कहां से खरीदेगा? अगर हेलमेट महंगे किए हैं, कोई एक ऐसा वो खोले कि वहां से जाके आप परचेज करें। हेलमेट पर पाबंदी, ट्रैफिक पुलिस की तीसरे रोज भी चालान मुहिम। हेलमेट की खरीदारी में इजाफा, दुकानों पर हेलमेट की कीमत 3000 रुपए तक जा पहुंची। भाव ताव ना तकरार, हेलमेट के फिक्स दाम। शाहराओं और गलियों में हेलमेट बिकने लगे। रेडी बानो ने सब्जी की जगह हेलमेट रख लिए। दो रोज में मॉल रोड पर 4778 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को भारी जुर्माने किए। मजमूई तौर पर 22,246 चालान किए गए। CTO ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। वकला सहाफी समेत तमाम शहरी अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहने। बांग्लादेश में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जाता। अदालत के रिमार्क्स।
गुज़श्ता हुकूमत ने सड़कों और नालियों पर पैसा लगाया, डैम बनाने पर तवज्जो नहीं दी। पार्टी मुफाद को पसे पुश डालकर डैम बनाएंगे। बारिश के पानी का एक एक कतरा महफूज करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का लाहौर चैम्बर में ताजरों और सनतकारों से खिताब। लाहौर चैम्बर के अराकीन के गवर्नर से गिले शिकवे, मिनी बजट पर कड़ी तनकीद। टैक्स शराब बढ़ाना अच्छा तर्ज हुकूमत नहीं, मिनी बजट में विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाना ज्यादती है। चैम्बर के अराकीन चौधरी सरवर की मौजूदगी में फट पड़े। खालिद परवेज बोले, विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़तालों में तहरीक इंसाफ हमारे साथ थी। चीफ सेक्रेटरी का घोष मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। करप्शन के खात्मे के बगैर तरक्की के मतलूबा अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर दुरानी की ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास। करप्ट अफसरान और मुलाजमीन के केसेस एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भिजवाने की हिदायत। तलबा को जाली ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने का मामला, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा लाहौर कैंपस के खिलाफ थाना चूंक में मुकदमा दर्ज। सब कैंपस की इंतजामिया के खिलाफ जालसाजी और फ्रॉड की दफा शामिल। मुकदमा यूनिवर्सिटी के मरकजी कंट्रोलर डॉक्टर बशीर अहमद की मुदैयत में दर्ज किया गया। अब थर्ड डिविजन पास भी एजुकेटर्स भर्ती हो सकेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। महकमा एजुकेशन ने थर्ड डिविजन डिग्री होल्डर्स की भर्तियों पर पाबंदी आयद की थी। क्रीसेंट मॉडल स्कूल में वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के जेर एहतमाम तलबा के लिए तरबियती वर्कशॉप। तलबा को फेसबुक के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुतालिक आगाही। माहिरीन ने तलबा को इंटरनेट के फवायद से मुतालिक बताया। क्रिकेट के फैन बड़े हैं, उन सब के चैन उड़े हैं, घुमा के उड़ाते हैं, छत के छुड़ाते हैं, दुनिया में गेम है। This is a stirring finish. दुनिया में अब तो चलेंगे बल्ले बल्ले, उड़ेंगे बल्ले बल्ले, चलेंगे बल्ले। एशिया कप में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। सुपर फोर मरहले के आखिरी मैच की फातह टीम जुमे को दुबई में भारत से फाइनल खेलेगी। इससे कबल बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। फोर मरहले के आखिरी मैच में इस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। बांग्लादेश को हराने की सूरत में पाकिस्तान का भारत से तीसरी बार टकराव होगा। फर्स्ट राउंड और सुपर फोर मरहले में भारत पाकिस्तान को बआसानी शिकस्त दे चुका है। रवायती हरीफों के दरमियान फाइनल हुआ तो मजीद दिलचस्प होने की तवक्को। और कायदे आजम ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट LCCA ग्राउंड में चौथे राउंड के मुकाबले, लाहौर रीजन वाइट और खान रिसर्च लेबोरेटरीज की टीमों में टाकरा।